ओके ओके ओके, सब लोग बाहर चलो, टाइम खत्म हो गया, अब कल आना, बाय। देखो शिवा, इन लेजर बीम्स के बीच से कोई डायमंड्स को चुरा नहीं सकता। देखा पेड़ आराम, इसे कहते हैं टाइट सिक्योरिटी। एक परिंदा तक पर नहीं मार पाया। सिंह जी, लगता है अंदर कुछ हुआ है, जल्दी चलिए। पेड़ा राम, क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, जल्दी करो। सर, त्रिमूर्ति में से एक रेड डायमंड चोरी हो गया। क्या? हीरा चोरी हो गया? चोरी कैसे हो गया? कोई ढूंढो चोर को। लड्डू सिंह जी, शांत हो जाइए, हम लोग अभी अभी बाहर गए और इतनी सी देर में हीरा चोरी हो गया। इसका मतलब चोर भी अभी अभी भागा है। चोर इतनी जल्दी ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। मैं बाहर जाकर ढूंढता हूँ, आप सब लोग अंदर चेक करिए। अनजान परिंदा कहां से आएगा और कहां जाएगा, कोई नहीं जानता। ट्रैफिक भी नहीं है, बाकी सब गाड़ियाँ भी बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में चल रही है, सिर्फ ये बाइक वाला ही जल्दी में दिख रहा है। इसका पीछा करता हूँ। ये बच्चा साइकिल से उड़ कैसे सकता है? लगता है ये बच्चा मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं किसी चोर का पीछा कर रहा था, आपको काफी स्पीड में देखा तो डाउट हो रहा था, इसलिए मैं आपको फॉलो कर रहा था। अब आप रुके हो तो क्या मैं आपकी तलाशी ले सकता हूँ? तुमने मुझे चोर समझा है बच्चे, मैं अभी तुमको ठीक करता हूँ। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा, वो डायमंड लौटा दो अंकल, वरना मैं खुद आपकी तलाशी लूंगा। अच्छा, तू मेरी तलाशी लेने वाला होता कौन है? पहले मुझे रोक कर तो दिखा।
मैम, मेरा नाम शिवा है और मुझे मिस्टर वाडकर से मिलना है। ओके, प्लीज वेट। सर, यहाँ आपसे मिलने शिवा नाम का लड़का आया है। ओके, ये शिवा है? ये तो छोटा सा बच्चा है। लगता है लड्डू सिंह जी ने गलती से इसे मेरे पास भेज दिया है। उन्हें जाने के लिए कह दो। ओके सर। सॉरी बेटा, सर ने आपको जाने के लिए कहा है। पक्का हम लोग जाएं? यस बेटा। ओके बाय बाय। लड्डू सिंह जी, आपने किस शिवा को मेरे पास भेज दिया है? ये तो छोटा सा बच्चा है। मुझे वो शिवा चाहिए जिसने मेरे बेटे राउडी को मारा है। पर सर, ये शिवा ही उस... लड्डू सिंह जी, आप उस शिवा को ढूंढिए और मेरे पास भेजिए। बेड़ा राम, अब मैं मिस्टर संपत को कैसे बताऊं कि जिसने उनके राउडी को मारा था वो अपना शिवा ही है जिसको वो बच्चा समझ रहे हैं। हे फ्रेंड्स, यही वो लड़का है जिसने मुझे मारा था। आज इसको नहीं छोड़ेंगे। शिवा, उस दिन तो मैं अकेला था इसलिए तुमने मुझे घेर लिया, पर आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। शिवा, ये तो वही लड़का है जिसने कैफे में सबको परेशान किया था। ओ, तो तुम इस शिवा की दोस्त हो? कम ऑन फ्रेंड्स, हम भी इनको अपनी दोस्ती दिखा देते हैं। आप क्यों बेफिजूल में फाइट करना चाहते हो? आपने कैफे में सबको तंग किया, इसीलिए मैंने आपको मारा। ये मेरी फ्रेंड है रेवा, आप इसको भी सॉरी बोल दो, बात खत्म हो जाएगी। राउडी और सॉरी? तुम्हें पता नहीं राउडी कौन है? As you wish, I'm ready for the fight. तुम लोग किसी काम के नहीं हो। पापा, उस शिवा ने फिर से मुझे मारा। तुम घर जाओ। लड्डू सिंह जी, उस शिवा ने मेरे बेटे को फिर से मारा है। आप मुझे उसके घर का एड्रेस दीजिए, मैं खुद उससे जाकर मिलूंगा। सर, सर मैं शिवा को आपके पास लाता हूँ, आप खामखा क्यों परेशानी लेते हैं? हाय, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप बस मुझे शिवा का एड्रेस दीजिए। ठीक है सर, एड्रेस नोट कीजिए। थैंक यू लड्डू सिंह जी, अब ये मामला मैं खुद ही सुलझाऊंगा। शिवा, मिस्टर वाडकर ने फिर से फोन करके शिकायत की है कि तुमने उनके लड़के की फिर से धुलाई की है और इस बार वो तुमसे मिलने तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। शिवा, अब की बार तुम राउडी के पापा को सब सच बता दो। हेलो अंकल। हेलो बेटा, तुम यहाँ? जी अंकल, ये मेरा ही घर है। शिवा, ये है मिस्टर संपत, ये हमारे वेदा सिटी में बहुत बड़ी फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं। मिस्टर संपत, मैं आपको इसी खुशी में एक सुंदर सा गाना गाकर सुनाता हूँ। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग, भाग जाओ, भाग जाओ। नाना जी, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, बाद में गाना सुनूंगा। लड्डू सिंह जी, आपने मुझे फिर उस छोटे बच्चे शिवा के पास भेज दिया। मुझे वो शिवा चाहिए जो मेरे राउडी को बार बार मार रहा है। सर, ये शिवा बच्चा नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ लड्डू सिंह जी, मुझे इस बच्चे शिवा से नहीं, बड़े शिवा से मिलना है।
पेड़ाराम, अब इस रावड़ी के पापा को मैं कैसे समझाऊं कि ये बच्चा शिवा बड़ों बड़ों की छुट्टी कर देता है। लड्डू सिंह जी, मेरा बेटा कुंग फू कराटे चैंपियन है, उसको एक छोटा सा बच्चा नहीं मार सकता। आप दूसरे शिवा का पता लगाइए, मैं अपने बेटे से उस शिवा का हुलिया पता करता हूँ।